पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार, मेरा हर एक से वफा करता है, चुप चुप के बेवफाइयों वाले दिन चले गए, उमड़ डाले आंखें वफा करता है। सो कैसा सर, स्वागत है आपका सीरियल के में, नमस्ते सभी को। सो आज हम बात करेंगे किस बारे में, आपने टाइटल पढ़ लिया है तो आपको पता है कि मैं इस समय बताने वाला हूँ कि हम अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट कहाँ खोलें। ठीक है, मैं इससे पहले एक हल्की सी बैक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। लॉकडाउन शुरू होने से पहले हमारे इंडिया में लगभग 3.5 करोड़ डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट थे, पर लॉकडाउन की वजह से और स्कैम 992 की वजह से 1 करोड़ डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुले। इस रीजन की वजह से आजकल जो जिन 3 डीमैट अकाउंट्स की बात करूंगा या जिन 3 ट्रेडिंग अकाउंट्स की बात करूंगा, उन्होंने अपना काम बिल्कुल ही फ्री कर दिया, एकदम फ्री। तो मैं इन तीनों का नाम लेता हूँ, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स एंड एंजल ब्रोकिंग। मैं जो तीनों के बारे में रिव्यूज दूंगा वो मेरे अपने ओपिनियंस हैं, मेरी अपनी रिसर्च है, अपनी नॉलेज है मेरी, आप अपनी मर्जी से करें। और सबका खर्चा जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। पहले साल आपको जनरली सारे अकाउंट्स फ्री दे रहे हैं, सेकंड ईयर से आपको 200 या 250 या कुछ 300 रुपये चार्ज करेंगे, एंड उसके बाद हर साल से लगते रहेंगे वो फिक्स चार्ज होते हैं, 200 250 300 कुछ इतने कुछ फिक्स होते हैं। आप गोल मारोगे तो आपको इजीली दिख जाएगा। तो मैं सबकी आपको फ़ायदा बता देता हूँ। देखो, अपस्टॉक्स जो है वो बैक्ड अप है बाय रतन टाटा जी। तो आप जब कहीं टाटा का नाम आता था तो वहीं पे विश्वास आ जाता है, इसलिए आप अपस्टॉक्स में खाता खोल सकते हैं। अब ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा एक ऐसी एप्लीकेशन है, ऐसा एक स्टार्टअप है जिसको पिछले साल स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड मिला 2020 का। एंड एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो उसमें क्यों भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी एक लिस्टेड स्टॉक है ऑन NSE एंड BSE। तो कोई लिस्टेड होता है किसी NSE या BSE के अकाउंट में तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता है, बहुत सोचना समझना और मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं करोड़ों रुपये लगता है अपनी स्टॉक मार्केट में धाक जमाने के लिए। एंड एंजल ब्रोकिंग का मेरा खुद का अकाउंट है इसलिए मैं उसमें रेफरल लिंक डाल रहा हूँ, मर्जी है आपकी, आप उससे करना चाहते हो किसी और के रेफरल लिंक से कर सकते हो, बेशक कीजिए, बट मर्जी है, मतलब मर्जी है आपकी। मेरे थ्रू करोगे तो मेरे को 500 का शायद वाउचर मिल जाए, मतलब मर्जी है आपकी, ठीक है ना। मतलब मुझे मत कहना कि मेरे कहने पर किया था, ये तीनों मेरे सबसे बेस्ट है। एंड इक्विटी पे सब में फ्री, कोई फ्री ऑलमोस्ट फ्री ही है, जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो अलग चीज़ है। एंड इंट्राडे के सबके चार्जेस अराउंड 20-25 रुपीस पर ट्रेड है। तो या मर्जी आपकी है, पैसा आपके है, तो ध्यान से सोच समझ के कीजिए। ये तीन अकाउंट फिर से बता देता हूँ, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग। मुझसे बहुत लोग पूछते थे कि किस में खोलें, तो ये तीनों में आंखें बंद करके आप खोल सकते हो, आपके भाई का भी विश्वास है इन तीनों अकाउंट्स पे। फिलहाल मैंने एंजल ब्रोकिंग पर खोला, पर शायद मैं अपने घर में या किसी में कभी अगला अकाउंट खोलूँ तो अपस्टॉक्स खोलूँ या ज़ीरोधा खोलूँ, क्योंकि मैं भी इन तीनों में ट्राई करना चाहता हूँ कि इन तीनों के सर्विसेज किस किस तरह की हैं, पर ये तीनों बेस्ट है। ठीक है जी, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट